हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राज और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पांडे जी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है क्वेश्चन का, वो टाइप वन यहाँ पर हमने लिख दिया है। टाइप वन ये कहता है कि आपको वैल्यू बताना है किसका, यदि शाइन थीटा प्लस 40 डिग्री, यदि शाइन थीटा प्लस 34 डिग्री बराबर कॉस थीटा आपका दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस 34 डिग्री बराबर कॉस थीटा दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा प्लस 34 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा अगर दिया रहेगा तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों बगल साइन के टर्म में ला देंगे या फिर दोनों बगल कॉस के टर्म में ला देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि ये दोनों का इसके एंगल को हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर एक बात और दी हुई कि जहाँ थीटा जो है एक्यूट एंगल है। अब देखिए क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन थीटा प्लस 40 डिग्री को एज इट इज़ लिख देते हैं, साइन थीटा प्लस 40 डिग्री को एज इट इज़ लिख देते हैं, और कॉस थीटा को हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। जब कॉस थीटा को हम साइन 90 माइनस थीटा लिख देते हैं तो दोनों बगल हमारा साइन का टर्म मिल जाता है। अब जब हमारा दोनों बगल साइन का टर्म मिल जाता है तब क्या होता है, साइन 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 से साइन हम कैंसिल कर सकते हैं। अब हमको यह मिल गया थीटा प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब यहीं से हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमको 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा अगर इधर आएगा तो 2 थीटा हो जाएगा, 90 में से 34 घटेगा तो 56 हो जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 56 आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू थीटा की जो वैल्यू है यहाँ से 28 डिग्री आ जाएगी। तो यही होगी थीटा की एक्चुअल वैल्यू, जो कि 28 डिग्री होगी। ठीक, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है, साइन थीटा प्लस 40 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस तरीके का कुछ भी रहेगा, यहाँ साइन टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर यदि कॉस टर्म भी है, टैन टर्म भी है, कॉस टर्म भी है, कुछ भी टर्म हो, तो दोनों को सेम रेशियो में ला देंगे और सेम पदों में ला देंगे, या तो साइन के पद में लाएंगे या कॉस के पद में लाएंगे, और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यह टाइप वन का क्वेश्चन रहे। ठीक, अब इसको हम मिटाते हैं। इसको मिटाने के बाद हम नेक्स्ट जो है टाइप, इस टाइप के एक और प्रश्न आते हैं। अब देखिए हम क्या करें, इस टाइप के एक और प्रश्न आते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न एक बार पूछा गया है कि बताइए कि साइन ए बराबर यदि कॉस बी है, साइन ए बराबर हमारे यदि कॉस बी दिया हुआ है, तब देन हमको वैल्यू बतानी है ए प्लस बी बराबर कितनी होगी, ए प्लस बी बराबर कितनी होगी। यदि साइन ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक, इसको भी सॉल्व करने के लिए सिमिलरली ऑन द सेम वे इस तरीके से हमने बताया है कि दोनों या तो साइन के टर्म में कर लेंगे या दोनों कॉस के टर्म में कर लेंगे। तो साइन के टर्म में करना आसान होता है, तो हमने साइन ए को साइन ए एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू कॉस बी को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम साइन से साइन को कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस बी है तो यहाँ पे हम क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी हमको मिल जाएगा, और ये जो माइनस बी है इधर आएगा तो प्लस बी के में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमको मिल गया है ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी, जो कि ए है साइन का एंगल, बी है कॉस का एंगल, दोनों के एंगल को यदि हम जोड़ेंगे तो ए प्लस बी बराबर हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप टू के। यहाँ पर जो है टाइप ए के क्वेश्चन रहे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रिक तो बहुत अच्छा है लेकिन जो है आप नंबर ऑफ एग्जांपल बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पर टाइप टू है, टाइप टू आपका ये कहता है कि यदि हमारा साइन 29 माइनस कॉस 61 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस साइन 29 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। इसकी वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ये देखिए टाइप टू का क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है। ये टाइप टू का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा आपके इस एंट्रेंस एग्जाम में। तो ट्रिग्नोमेट्री को जो है बहुत अच्छे से डिवीजन करना है, आसान क्वेश्चन से लेकर के थोड़ा मीडियम क्लास क्वेश्चन से लेकर के और थोड़ा कठिन प्रश्न तक, सारे को आपको अच्छे से रिवीजन करना है। साइन 29 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 29 डिग्री को हम चेंज कर रहे हैं, तो चेंज करके हम लिख रहे हैं साइन 90 माइनस 61 डिग्री हो जाएगा। ये साइन 90 माइनस 61 डिग्री साइन 29 को लिख देंगे क्योंकि 90 में से 61 घटाएंगे तो 29 मिल जाएगा, माइनस कॉस 61, कॉस 61 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम जानते हैं फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है,
तो साइन 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री का ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 61 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री, तो ये कॉस 61 से कॉस 61 से चला जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा? जीरो। जहाँ पर जीरो हमारा आएगा वहाँ पर हम ट्रिक कर देंगे। तो ये तो कुछ क्वेश्चन रहे जो आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, इस क्वेश्चन के सॉल्व करने की प्रोसेस को आप देखिए। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ, साइन 29 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री है, इसको चेंज कर दे रहे हैं, तो साइन 90 माइनस 61 डिग्री माइनस कॉस 61 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस 61 डिग्री हो गया माइनस कॉस 61 डिग्री, दोनों को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो है जीरो आ जाएगा। ठीक, जो जीरो ऑप्शन पे लिया रहेगा उसको हम ट्रिक कर लेंगे। नेक्स्ट हम कुछ जो है आपको लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण से हम क्वेश्चन आपको कुछ दे रहे हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो हम रैखिक जो है समीकरण का कुछ कॉन्सेप्ट बता दें आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई इक्वेशन है उसको a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 के रूप में लिखा जाता है। कोई समीकरण है उसको a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 के रूप में लिखा जाता है। कोई दूसरा समीकरण है उसको हम a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 के रूप में लिख रहे थे। ऐसे इसी रूप में होता है जो है समीकरण हमारा x और y के फॉर्म में रहता है। तो आप एक बात जान लीजिए कि यदि हमारा a1 upon a2 is equal to हमारा b1 upon b2 is not equal to upon c1 upon c2, ये कंडीशन जब भी रहेगी, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इस समीकरण का हल नहीं होगा, कोई भी हल इसका नहीं होगा। ठीक, ये कंडीशन कहता है। दूसरा कंडीशन हम आपको बता दें कि यदि यहीं पर इसी समीकरण में यदि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तो रहे, लेकिन is equal to c1 upon c2 भी यदि रहता है, तब जो अनंत हल होंगे। इस कंडीशन में क्या होगा? अनंत हल होंगे। मैं आपको इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, अनंत हल होंगे, ये आप देख लीजिए, अनंत हल होंगे। और देखिए कोई हल नहीं होगा, कौन सा कंडीशन होता है? तो कोई और जो है, देखिए यदि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 तब एक ही हल होगा। जब यहाँ पर देखिए c1 upon c2 की बात हटा देते हैं, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 जब होता है, तब जो होता है हमारा जो है इक्वेशन बनेगा उसका कोई ना कोई एक हल होगा। ठीक, आपको हम देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि यदि एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक समीकरण है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा दो समीकरण दे दिया, दो रैखिक समीकरण दे दिया है हमारा, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसको आपको बताना है, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है हमारा कि इसका एक हल होगा, इसका एक हल होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है कि इस समीकरण के दो हल होंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा दे रहा है कि इसका कोई हल नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है कि इसके अनंत हल होंगे। तीसरा कंडीशन क्या दे रहा है हमारा? कि इसका अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा। और चौथा कंडीशन हमारा क्या दे रहा है? कि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आपको सॉल्व करके बताना है कि ये क्या होगा, कोई हल इसका नहीं होगा। ध्यान देंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दो समीकरण दे दिया है, इससे चार ऑप्शन बनेंगे। पहला, एक हल होगा इस समीकरण का, कि दो हल होगा इस समीकरण का, कि अनंत हल होगा इस समीकरण का, कि इस समीकरण का कोई हल ही नहीं निकलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आप बताइए कि कौन सा इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा, आंसर होगा। यदि आपने इसके पीछे के कॉन्सेप्ट पढ़ा है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 तो ये सारा का सारा क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा। चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको।
इसमें देखिए क्या क्या वैल्यू दी हुई है। इसमें वैल्यू दी हुई है, ए वन की वैल्यू 6 दी हुई है, बी वन की वैल्यू 3 दी हुई है, सी वन की वैल्यू 10 दी हुई है, ए टू की वैल्यू 2 दी हुई है, बी टू की वैल्यू 1 दी हुई है और सी टू की वैल्यू जो हमारी है 9 दी हुई है। साइन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ए वन अपॉन ए टू को हम लिखेंगे क्या, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू हमारा 6 अपॉन 2 हो जाएगा, ए वन अपॉन ए टू। अब देखिए बी वन अपॉन बी टू, अब बी वन अपॉन बी टू को हम देखते हैं तो बी वन अपॉन बी टू क्या है, 3 अपॉन 1। बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 अपॉन 1 और सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू हो जाएगी हमारा 10 अपॉन 9। ठीक, तो हम ये देख रहे हैं 2 से ये तो 3 चांस में कट जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं कि ए वन अपॉन ए टू जो है हमारा इज इक्वल टू है, ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू भी 3 है, बी वन अपॉन बी टू की भी वैल्यू 3 है। तो इस कंडीशन में ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू तो हो जा रहा है, लेकिन सी वन इज इक्वल टू 10 है और सी टू इज इक्वल टू 9 है, तो बट नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये जो है सी वन अपॉन सी टू नॉट इक्वल टू है। तो जब इस तरीके का कंडीशन हमारा आता है तो इसका नो हल, कोई सोल्यूशन का हल नहीं होगा। तो जो नो सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था तो आपको वही जो है आंसर लगाना है कि इसका नो सॉल्यूशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा इस समीकरण का, कोई हल जो है समीकरण का नहीं निकलेगा, कोई हल समीकरण नहीं होगा। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्स और वाई के टर्म में रहता है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो जो है कोई समीकरण का हल आपको नहीं निकलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर आज हो सके तो फिर रात को अभी एक वीडियो जो है आपको जाएगी और रेगुलर आपको अपडेट मिला करेंगे मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, और आपको इन सारे क्वेश्चन को, इन सारे टाइप्स को, सारी बातों को अच्छे से ध्यान में रखना है और अपने एंट्रेंस एग्जाम को देना है।